हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, यानी कि बवासीर के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि बवासीर होती क्या है। देखिए, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, जो व्यक्ति भी पाइल्स से पीड़ित होता है ना, उसके एनस के बाहरी और अंदरूनी हिस्से में एक गांठ हो जाती है, सूजन सी आ जाती है। जहां वो सूजन होती है, वहीं पे बहुत छोटे छोटे स्किन इकट्ठी होने लग जाती है, जहां पे मस्से होना शुरू हो जाते हैं। उस मस्सों में क्या होता है कि दर्द होना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो बवासीर होती है। ये हो गया कि बवासीर क्या होती है। अब बात करते हैं कि बवासीर के क्या क्या कारण होते हैं होने के। तो मैं आपको बता दूं कि बवासीर के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, क्या होता है ना कि हमारा इतना अनहेल्दी खाना होता है, सबसे पहले हमारा अनहेल्दी खाना ही ना हमारी एक जान का दुश्मन बना हुआ है। जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, खासकर कि आजकल जो मोमोज, पिज़्ज़ा और मैक्रोनी, पास्ता, ये जो चीज़ें बहुत इंस्टेंटली बनने वाली चीज़ें जो चल रही हैं आजकल मार्केट में, या हम घर पे भी क्या करते हैं कि बहुत थके हारे होते हैं तो हम कुछ नहीं बनाने का मन करता कि चलो पास्ता बना लेते हैं, चलो मैक्रोनी बना लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं जो आपके पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब पेट में कब्ज़ हो जाती है, जब आपको गैस पास नहीं होगी, पेट में कब्ज़ रहेगी, तो ये भी एकमात्र कारण होता है आपके बवासीर होने का। दूसरी मैं बात करती हूँ ज़्यादा देर तक खड़े रहने का। देखिए, अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या आपका काम ऐसा है कि आपको बैठने के लिए चेयर नहीं मिलती, या बैठ नहीं पाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है आपके बवासीर होने का। तीसरे कारण की मैं बात करूँगी, मोटापा। मोटापे से भी बवासीर होती है। जी हाँ, जिस किसी इंसान को अगर मोटापा होता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बवासीर से भी ग्रस्त होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे ऑफिस का टॉयलेट होता है, या हम कहीं कन्वीनियंस देखते हैं कि हम कहीं पे अपना मतलब टॉयलेट का यूज़ कर ले या कुछ भी, तो क्या होता है कि वहाँ पे सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, और इसी हाइजीन का हम ध्यान नहीं रख पाते। तो इस वजह से भी जो हम गंदगी को अपने, एक कहते हैं ना कि ऑफिस में जा रहे हैं, वो गंदगी को हम मतलब एक मजबूरी हो जाती है कि हमें वहीं पर ही वॉशरूम यूज़ करना है, वहीं पर ही हमें टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, तो वो भी एक मजबूरी जो है हमारी पाइल्स का एक कारण बन जाती है। तो ये थे कारण, और कैसे होती है, क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने खान पान के साथ अपने आप को हाइजीन रखेंगे, अपने आप को एक सेल्फ कंट्रोल में रखेंगे कि हाँ, आपको अपनी डाइट में क्या क्या लेना है, आप जितने पाइल्स के पेशेंट होते हैं, अगर वो जितना ही नॉर्मल खाना खाएं, लाइक सूप पिएं, आप उड़द चने की दाल ना खाएं और राजमा छोले को बिल्कुल त्याग दें, तो उससे भी एक घरेलू एक इलाज हो गया, जिससे कि आपको पाइल्स पे बहुत ज़्यादा असर मिलता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या है, आप जब लेटरिन करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो आपकी ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है, तो उसके लिए आ गई है पाइल्स मुक्ति। जी हाँ, आप जब पाइल्स मुक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिएगा कैसे आपको मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन में आपकी जो बवासीर की समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। बस क्या है कि आपको एक गोली सुबह लेनी है, एक गोली शाम को लेनी है, और किसके साथ लेनी है, ठंडे दूध या छाछ के साथ। जितनी आप ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे, ठंडी दूध, छाछ, दही का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही आपके पेट में राहत मिलेगी, कब्ज़ में राहत मिलेगी, और आपकी जो समस्या है पाइल्स की, वो जड़ से धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाइल्स मुक्ति दवाई है, ये प्योर आयुर्वेदिक दवाई है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो फिर देर किस बात की, नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और आज ही अपनी पाइल्स की समस्या से छुटकारा पाएं।